हेलो एवरीवन। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और हम इसे पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कल में होना, रिपीटेडली कोई प्रोसेस होना। जैसे हमारे, आप समझते हो, ब्लड का फ्लो होता रहता है शरीर में, है ना, बार बार एक ही जगह एक ही चक्कर लगा लगा के घूमता रहता है। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये करते क्यों है, पढ़ते क्यों है, ठीक है, ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स को किसकी ज़रूरत होती है? वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। और उनके सेल्स को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, ऑक्सीजन की, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उनको वापस भी ले जाना है। तो ये वो काम खुद नहीं करते हैं, ये काम करता है ब्लड। ठीक है, ब्लड आता है, इसको आप ऐसा समझिए, ब्लड आता है, जैसे ये मान के चलिए सेल से, ये ब्लड आया, ये छोटे छोटे सेल्स लेकर आया। ब्लड के सेल्स ऐसे आएंगे, ब्लड अपने साथ क्या ला रहा है? ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो ऑक्सीजन चले जाएगी इनके पास, और सेल्स क्या दे देंगे बदले में? कि भैया हमारी CO2 ले जाओ तुम। तो CO2 ब्लड ले जाएगा, और ब्लड क्या दे देगा इनको? खाना दे देगा, न्यूट्रिशन दे देगा, वाइटामिन, मिनरल्स। और सेल्स से क्या लेगा? नाइट्रोजेनस वेस्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ले लेगा, और सब कुछ चलता हुआ ले जाएगा। तो ये काम करता है ब्लड। और ब्लड को आप ट्रक की तरह मान लो, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब ब्लड को ये काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एनर्जी, कि ब्लड दौड़ेगा कैसे। दूसरी चीज़, रोड, किसके ऊपर दौड़ेगा। ट्रक को चलने के लिए तो रोड चाहिए, तो रोड कहलाते हैं। ये दौड़ता है पाइपों के अंदर, उन पाइपों के नाम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब ये जो पाइप्स हैं, इसके अंदर जो ब्लड दौड़ता है वो बिना एनर्जी के तो दौड़ेगा नहीं। तो एक पंप लगा होता है बड़ा सा, छोटा सा, मुट्ठी बराबर होता है, हार्ट बोलते हैं उसको। तो वो एनर्जी देता है, वो पुश करता है इसको। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे मैमल्स में और बर्ड्स में कौन सा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, फोर चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे बर्ड्स में और मैमल्स में, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर मैं अपने ह्यूमन से बोलूँ तो क्लोज्ड और डबल सर्कुलेशन होता है। क्लोज्ड का मतलब कि जो भी ब्लड फ्लो करेगा वो एक पाइप के अंदर फ्लो करेगा, इसीलिए उसको क्लोज्ड बोल रहे हैं। और डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब यहाँ पर है, पल्मोनरी, जब भी वर्ड आ जाए याद रखना पल्मोनरी जुड़ा होता है लंग्स से। सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब होता है सिस्टम, मतलब बाकी की बॉडी। कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पर देखना, बाद में मैं समझाता हूँ, कि लंग्स में ब्लड अलग जाता है और पूरे बॉडी में अलग जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आप ये देखो, किसी भी पानी को अपन को फ्लो करवाना है तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो अपन को पानी की, फिर उसके बाद पाइप की, फिर तीसरी चीज़ होती है पंप की। उसी, सॉरी, पानी मतलब वाटर, पाइप और पंप। तो उसी केस में अगर आप यहाँ पर एनोलॉजी लगाओ तो पंप जो होता है हार्ट होता है अपने बॉडी के केस में, पाइप होती है ब्लड वेसल्स, और वाटर होता है ब्लड। अभी पाइप के भी टाइप होते हैं, मैं बताता हूँ आपको ब्लड वेसल्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं आर्टरीज और वेंस के बारे में। ये है पाइप जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब अगर आप देखो, आर्टरीज उन पाइप को बोलते हैं जो खून अवे ले जाए, हार्ट से दूर ले जाए, उन पाइप को आर्टरीज कहेंगे। जो पूरा खून हार्ट में लेकर आए उनको कहते हैं वेन। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है? थिक इलास्टिक वॉल होती है, ये मैं बताऊंगा क्यों होती है। वेन्स की थिन होती है। इसके अलावा आर्टरीज हाई प्रेशर पर होती हैं, वेन लो प्रेशर पर होती हैं। आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं होते, वेन्स के अंदर होते हैं वॉल्व। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलियो अब शुरू करते हैं कि काम कैसे करता है। हमें ये तो समझ में आ गया कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, पूरी बॉडी में घूमना, और उसको घुमाने के लिए एक हमें चाहिए पाइप और दूसरी चाहिए पंप। तो पंप तो हो गया ये। देखिए, ह्यूमन हार्ट चार चैम्बर में डिवाइडेड होता है। चार चैम्बर मतलब चार कमरे, चार अलग अलग कमरे होते हैं। इन कमरों के नाम होते हैं। देखो, अगर आप हार्ट यहाँ पर मेरे यहाँ निकाल के रखोगे तो ये वाला हिस्सा राइट है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट है। तो ये देखो, ये राइट है, ये वाला हिस्सा राइट है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट है। ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आप इधर देखो, ये राइट हिस्सा हो गया, ये राइट हिस्सा हो गया, ये भी राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया। चार कमरे बताया ना मैंने हार्ट के। तो देखो, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट।
ऊपर वाले को बोलते हैं आट्रियम। ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं वो होते हैं आट्रियम। क्यों आट्रियम होते हैं? क्योंकि ये रिसीव करता है, आट्रियम मतलब रिसीव करना, इसीलिए इनको बोलते हैं आट्रियम, ARTIUM, आट्रियम, ATRIUM सॉरी। ठीक है, ये होता है ऑरिकल भी बोल देते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से यहां पर मैंने नाम लिखे हैं, लेफ्ट आट्रियम, राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल मतलब जो ब्लड को पुश करे, आट्रियम मतलब जो ब्लड को रिसीव करे। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पूरा साइकिल समझने के लिए हमको थोड़ा सा ग्रीन कलर से मैंने वॉल्व भी बताया, वॉल्व और समझ लेते हैं क्या होते हैं। वॉल्व का क्या मतलब होता है? जो एक यूनिडायरेक्शनल में, यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करते हैं। जैसे अगर आप इधर देखो, आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल में अपन हवा डलवाते हैं, तो जब हवा डालते हैं तो उसमें क्या होता है, पंप से जब हवा साइकिल के टायर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही अपन मशीन का पंप हटाते हैं तो उसमें से हवा वापस बाहर नहीं आती। इसका मतलब वो यूनिडायरेक्शनल है, इसीलिए उसको वॉल्व कह रहे हैं, मतलब वो फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, बाहर वापस नहीं जाने देगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखो कि अगर मान लो ये वॉल्व ऐसे हैं तो पानी ऐसे तो जाएगा, लेकिन जब वापस आना होगा तो क्लोज हो जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। तो यहाँ पर वॉल्व का ये मतलब है। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से बताया। अलग अलग वॉल्व होते हैं, बेसिकली चार वॉल्व रहेंगे यहाँ पर, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, बाइकस्पिड और एओर्टिक वॉल्व, चार वॉल्व रहेंगे। चलो अब पढ़ें, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं सब चीज़ों के, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा। ये हो गया राइट वेंट या राइट आट्रियम, ये लेफ्ट आट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो लाल वाली जो मैंने बताया ना, ये बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला खून। अब ब्लू वाला अगर आप बहुत सी बुकों में देखेंगे तो ब्लू वाले खून को ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, या वेन्स को ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। असल में वो इसीलिए किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बताने के लिए, ताकि ईजीली समझ में आ जाए। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हमारा खून नीला होता है। ठीक है, असल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर जो होता है डार्क रेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड। ठीक, अब होता क्या है, इसके कुछ पाइप्स के नाम देख लेते हैं। पाइप के नाम कौन से हैं? ये जो है, मैंने क्या बताया था अभी, आर्टरीज का मतलब जो अवे फ्रॉम हार्ट जाए, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, देखो ये अवे फ्रॉम हार्ट जा रही, तो इसका नाम आर्टरीज था। ठीक है, अब इसका नाम भी आर्टरीज है, ये असल में ऑर्टा है, इसको ARTA बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्टा। ठीक, अब ये जो ऑर्टा है, अगर आप देखोगे ये ऑर्टिक वॉल्व हो गया, तो ऑर्टा मतलब या आर्टरी मतलब जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जाए। ठीक है, और वेन मतलब जो हार्ट में लेकर आए। तो ये देखोगे ये है वेन, इस पाइप का नाम है इन्फीरियर वेना कावा। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही है, और इस वेन का नाम है सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये ऊपर बॉडी, ऊपर वाली बॉडी से लेकर आ रही है। ठीक, इसका नाम है, इस वाले का नाम है ओर्टा। क्या नाम है इसका? ओर्टा। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, आपको बताया था। और आर्टरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हार्ट से दूर लेकर जा रही है, इसलिए आर्टरी। इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी इसलिए क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से होते हुए आ रही है। वेन इसलिए क्योंकि हार्ट के तरफ ब्लड लेकर आ रही है, इसलिए पल्मोनरी वेन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक वॉल्व है, अभी बताऊंगा बाद में, जितने भी ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने बनाए वो सारे वॉल्व हैं। ठीक, और ये होती है मसल्स, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, बताऊंगा आपको ये भी। अब यहाँ पर अपन एक बार फ्लो समझ लेते हैं कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको, हम बेसिकली ये है डबल सर्कुलेशन, कहने का मतलब लंग्स के लिए अलग सर्कुलेशन है यहाँ पर, और अपने बाकी बॉडी के लिए अलग है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो होगा क्या, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ पुश होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ब्लड को भेजते हैं। तो राइट वेंट्रिकल एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से कहाँ जाएगा? ये वाला, इसका नाम क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी।
क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लू है इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब ये आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरी आर्ट्रियम में या ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा तो ये पूरा जाएगा ऑर्टा में, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ये ऊपर गया ये नीचे गया, फिर बॉडी में जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, फिर वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर यहाँ से आएगा और ऊपर से आएगा और वापस से आ जाएगा राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से वापस जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस से पल्मोनरी आर्टरी, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है पूरा सर्कुलेशन यहाँ पर हो गया, बहुत इतना ही ईजी है। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, असल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स में, और वो पतले पतले पाइप्स किससे सराउंड रहते हैं, सेल्स से। ठीक, और उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लिम्फ बोलते हैं बेसिकली उसको, लिम्फेटिक सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से वापस ब्लड यहाँ पर आता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के पास ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वेंट्रिकल के पास ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसको जो है थिक वॉल्स भी चाहिए, इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं। आप देखो, अब एक चीज़ मुझे बताओ, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को खून का भेजना है लंग्स में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बोझ भेजना है पूरी बॉडी में, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, जबकि ऑरिकल को जस्ट नीचे भेजना है, ऑरिकल को तो कहीं भेजना ही नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑरिकल या फिर आट्रियम की जो वॉल्स होती हैं बहुत ही थिन होती हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ समझो, ये है आर्टरी, यहाँ से देखो ये है ऑर्टा, अब ये कितने हाई ब्लड, कितने हाई प्रेशर पर ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसकी वॉल होती है थिक, एकदम थिक और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था थिक और इलास्टिक और हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर है इसका मतलब ब्लड पीछे तो जाएगा नहीं, यहाँ डर ही नहीं है पीछे जाने का, इसीलिए यहाँ पर इस वाले पाइप में यानी कि आर्टरीज में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं रहते हैं। लेकिन जब तक ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वेन्स में आता है कलेक्ट होकर, तो यहाँ पर प्रेशर का हो जाता है काफ़ी लो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रहते हैं वॉल्व प्रेजेंट, ताकि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको और समझनी है कि जो वेन्स होती हैं ये ऊपर वाली प्रेजेंट रहती हैं, अगर आप जो हरा हरा देखते हो ये आपकी छोटी छोटी वेन्स हैं, जबकि आर्टरीज रहती हैं अंदर। ऑलमोस्ट प्रेशर कितना होता है, ये होता है 120/80, मैं बताऊंगा 120 क्या होता है और 80 क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, इतना आया समझ में। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बता दिया सुपीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब ये हम समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, ये लबडब की वाला साउंड भी समझते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक बात मुझे बताओ, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक साथ ब्लड भेजेंगे कहाँ पर, एक ब्लड तो जाएगा लंग्स में यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ऑर्टा के थ्रू जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, पूरी बॉडी में, तब प्रेशर होता है 120 mm of Hg। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होती है, उसी तरीके से प्रेशर की भी अलग अलग यूनिट होती है, पास्कल होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और mm of Hg भी होता है, या मैं आपको प्रेशर के चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल, तब ये हाई प्रेशर से जाता है ब्लड इनमें, और जब रिलैक्स होते हैं तो वेंट्रिकल में आ जाता है। तो देखना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड किस में जाना चाहिए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब ऊपर वाले चैम्बर्स में नहीं जाना चाहिए, ऊपर दो चैम्बर हैं वहाँ ब्लड नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये दो वॉल्व है ना, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वॉल्व का नाम है माइट्रियल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं लब, क्या बोलते हैं, लब, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से आती है, तो एक साउंड आती है लबडब,
तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड गया ऊपर और ये क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि ब्लड चाहेगा मैं ऊपर चले जाऊं, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो, ये जो है ऐसे बंद हो जाएंगे। अब ये तो हमें आ गया समझ में। अब जब ये रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, तो क्या होगा? रिलैक्स होगा तो अब होगा क्या, जैसे ही रिलैक्स होगा, इसमें हाई प्रेशर है तो ये ब्लड है पीछे आना चाहेगा, कहाँ से? ऑर्टा से थ्रू, और ये जो अपना पल्मोनरी आर्टरी, इससे पीछे आना चाहेगा। लेकिन इनको कौन से वॉल्व रोक लेंगे? पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डब। तो पहला साउंड कौन सा हो गया? लब। फिर होता है लब डब साउंड। ठीक है, और जब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये बंद हो गया और जो पूरा ब्लड है ये, और ये वेंट्रिकल रिलैक्स में, तो पूरा ब्लड आ जाएगा यहाँ से इधर। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर गया, फिर रिलैक्स होंगे तो फिर वापस से वेंट्रिकल भर जाएंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीट हार्ट बीट। और हमारा दिल एक मिनट में 72 टाइम्स ऐसे लब डब करता है। लब डब पूरी होती है एक साइकिल, जिसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट बीट। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारा हार्ट जो है एक बीट में लगभग 70 ml जो ब्लड को पंप करता है, और अगर आप देखो हमारा एक मिनट में पूरा 5 लीटर पंप हो जाता है, और एवरेज ह्यूमन में भी लगभग कितना होता है, 5 to 5.56 इतना लीटर ब्लड होता है। तो आप देखो एक मिनट के अंदर हमारा पूरा ब्लड एक पूरा शरीर का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोली, जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं उसको बोलते हैं डिस्टोली। ठीक है, डिस्टोली। तो इतना ही था इस चैप्टर में। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम हार्ट की वर्किंग देख लेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली एक नोड होता है, ऐसे नोड। ठीक है, साइनो, क्योंकि होता क्या है, जो हार्ट ये रिदमिक जो पंप करता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से करता है, और ये अपने ही खुद के इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक ऐसे नोड होती है, ठीक है, जब जिसकी ख़राब हो जाती है तो उसको पेसमेकर भी लगाते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, यहाँ पर जाते हैं फिर उस तरीके से पंप होता है। वो हम हार्ट जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको इजी फिर से बता दूंगा। और ये जो वॉल है जो इन चैम्बर्स को या रूम्स को डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं सेप्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये मसल से आपको बताई दिया है, तो जो भी आपके डाउट रहे वो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, और कोई अगर आपको नई चीज़ें पढ़नी हो, कोई नया टॉपिक जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है और इजी लैंग्वेज में समझना हो, तो भी आप वो चीज़ बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।